और ये बड़ा मजे का बड़ा सॉफ्ट केक है। ठंडा है पानी, ठंडा है पानी। हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ चलो काकी मुनियों उतरो, आराम आराम से तो इसको बना ले हम फिर उतरते हैं। अभी डर है, ठंडा पानी है। लटोर कोई नहीं पिया? कितने दी बेटी है? कच्चा होगी। कच्चा नहीं चाहिए था, ताज तैयार है चाहिए था। ये पेटी कितने दी है? चौसे दी क्या रेट है? ते वो देखो लटोर देखो अगर को पक्की पई है था। आज हमारे साथ सुबह सुबह अबुजर खान है, इधर शक्ल तो दिखा। ये चुपचुप के पराठे खा रहा है। खाते हैं, वीडियो नहीं बनाते। खाम से एक नहीं वाला। इसको भूख लगी हुई थी। रोजाना हमारे साथ मानूर मलाइका होती हैं, आज वो दोनों नहीं है, आज अबुजर है। ठीक है आपके लिए। तो कहते हैं बाबा भूख लगी है, मुझे कहा चलो पराठे इनको ले देते हैं। सुबह 5:30 बजे का टाइम है अभी, और अभी आम ले रहे हैं क्योंकि शाम को है आज पूल पार्टी, थोड़े से फैमिली गेट टुगेदर है तो जाएंगे आज पूल पे, उसी के लिए भी आम लेने लगे हैं। तो बस फिर जाना तो शाम को है, लेकिन मंसूर ने कहा भी ले लेते हैं, निकले हुए तो हैं तो फिर शाम तक ठंडे भी हो जाएंगे थोड़े से। क्या कर रहा है? कोई नहीं, खाता खाने में कोई मसला है खा लो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। बस अभी हमने अपने बकरे का घास लेना था सुबह सुबह 5:30 बजे का टाइम है अभी, बिल्कुल धूप वगैरह नहीं निकली, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग है, तो उसके लिए घास लेंगे। और थोड़ा सा आज हमारा घूमने फिरने का भी प्लान है तो कुछ वो भी करेंगे। तो चलिए मैंने कहा सलाम कर लूँ पहले। साथ हमारे अबूजर हैं जो कि पीछे से बैठ बैठ के हंस रहे हैं। बिरयानी वाला टच के बना रही हूँ आज, बना रहे हैं। पहले बिरयानी बनाने का मूड बना है, फिर मैंने कहा छोड़ो टाइम नहीं है, गर्मी बहुत है, पुलाव बनाते हैं बिरयानी वाला। तो बस सब ये चिकन भुन गया है। आज है हमारे क्या है, पूल पार्टी है। पूल पार्टी है, मैंने बताया कि हम सब कजन्स पूल पार्टी पे जा रहे हैं। हाँ। मज़ा आएगा, हमें बहुत इंजॉय भी करेंगे हम। हाँ, सारे खाला मामू आए हुए होंगे। तभी तो मजा आएगा, इतने सालों बाद तो कोई प्लान बनता है जाके सबका। अभी हम बहुत अरसे बाद, 2-3 साल बाद जा रहे हैं ना, बहुत टाइम बाद जा रहे हैं, वरना हम मोस्टली इकट्ठे बहुत ही कम प्लान होते हैं, बहुत कम। हम कजन फिर चल जाते हैं, जैनब मैं मलाइका, बड़े सब बिजी होते हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। हम जैनब मलाइका मैं हम फिर आपस में इंजॉय कर लेते हैं लड़कियाँ, लेकिन इकट्ठे सब नहीं जा सकते। या ईद आती है सब इकट्ठे हो जाते हैं मामू के घर, बस यही होता है। ईद पर भी सब बिजी होंगे, इसीलिए ईद से पहले का प्लान किया। ईद पर पता है सब अपने अपने घर। क्या मतलब हम मामू के घर नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, मतलब इतना बाहर रश ऐसी जगहों पे बैठना, बाहर नहीं जाएंगे, मामू के घर तो जाएंगे, मैं बाहर की बात कर रही हूँ। ओके, पूल पार्टी का कहते पहले ईद के बाद। हम लोग सोच रहे थे कि ईद के 4th डे करते हैं ना, लेकिन फिर मामू ने भी बाबा ने भी कहा कि नहीं उस टाइम में नहीं, उस टाइम पे रश होता है हर कोई, वैसे भी फिर आते हैं ना सब, फिर हाँ सब फुप्पो आती हैं और बस ईद होती है, तो इसलिए फिर हमने कहा कि पहले का रखते हैं। चलो कि मैं भूल गया, मैं पानी डालती हूं, लगाती हूं। ओके डाले पानी जी। आ गए महद, आ गए, तैयारी है पूरी नहाने की, पूरी तैयारी पूरी, वो तो लग रहा है मुझे, खुलिया बता रहा है। चलो निकलते हैं, बड़ा देर लगा दिया यार तुम लोगों ने। ओए दरवाजा पीछे सही से बंद कर, बस अब निकल रहे हैं हम लोग। ताला गिरा है। तो यहाँ पर सब आ गए थे, मेरे भाई भी, भाभी और छोटी बहन भी, तो हम घर से निकल पड़े। बाबा पहले यहाँ तो जाते नहीं है, फिर चले जाते तो फिर बाबा भी नहीं निकलते मेरी तरह। अब तो माहौल है, अम्मी सलाम तो कर दो, अम्मी अभी अमी नमाज सफर की दुआ पढ़ रही है। ये लोग सब कहाँ गए? अब इसको ना वालेकुम सलाम, अम्मी को सलाम तो करने दे, माना शोर मचा रही है। नहीं पता ना, अच्छा नहीं का दुआ पढ़ रही है, तो मैंने कहा दुआ पढ़ चलो, तो नहीं उन्होंने कहा पढ़ ली है। चलो अभी जाके पूल पे फिर दिखाते हैं आपको पानी की मछलियाँ कौन कौन है। ये तो बड़ी मछली बाबा को दिखाएंगे हम, बस मैं इसी को मंसूर को पकड़ेंगे, मैं
को दिखाने वाली हूँ, मंसूर को पकड़ेंगे और बाबा का मुझे लगी हुई है। आज खैर मनाओ मंसूर अपनी। अब इतने देखो कितनी धूप है मानो, परेशान थी कि पता नहीं लेट हो गए, इतना लेट हो गए। मैं कह रही थी कि बस जब 5 बजे को बोला तो 6:30 बजा दी। 5 बजे बहुत, हाँ आज जल्दी उठ गए ना इसलिए सारे बेहोश हैं। 6:30 बहुत सब इन्जॉय करने वाले थे आज, घर से निकले हैं बस आगे पीछे सब लोग थे। घर से तकरीबन 15-20 मिनट की ड्राइव पर था ये पूल, जो कि मेरे ब्रदर इन लॉ ने हमें बोला कि सब चलो। छोटी बहन है मेरी, उनके हस्बैंड हैं, तो वो उन्होंने ही हम सब का प्लान करवाया। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि बहुत अरसे के बाद हम लोग जा रहे हैं। तकरीबन हम सब बहन भाई जो हैं तकरीबन कोई तो 3 साल के बाद हम लोगों ने ये मतलब इकट्ठा पूल पार्टी या कोई इस तरह का मतलब गेट टुगेदर किया है, क्योंकि सब इतने बिजी हैं अपनी अपनी लाइफ में, इतना टाइम नहीं होता। तो बहरहाल सब बहुत खुश थे, बहुत मज़ा आ रहा था। अभी अभी घर से निकले हैं तो गाड़ी में ये फुल म्यूज़िक ऑन था, मंसूर ने ये सब स्ट्राइकी सॉन्ग लगा रखे थे गाड़ी में, जो कि मैं अभी नहीं सुना सकती, यूट्यूब को नाराज़ हो जाती है, तो आपको पता है कि कॉपीराइट क्लेम वगैरह और स्ट्राइक वगैरह आ जाती है, इसीलिए मैंने बिल्कुल यहाँ पे वॉइस ओवर की है। तो बड़े मज़े मज़े के गाने लगे हुए थे गाड़ी में और बहुत इन्जॉय कर रहे थे, बच्चों ने शोर मचाया हुआ था। तो सारे बच्चे, मेरे बहन भाइयों के बच्चे भी सब, तो आज बहुत दिनों के बाद प्लान बनाया तो सब बहुत एक्साइटेड थे। तो चलते हैं और वहाँ पर जो भी होगा कोशिश करूँगी कि आपको थोड़ा बहुत दिखाऊँ। तो अगर मतलब सब लोग तो नहीं आते कैमरे में, तो कोशिश ज़रूर करूँगी कि सबका दिखाऊँ थोड़ा थोड़ा। और मैंने बनाए थे चिकन और चावल बिरयानी स्टाइल के, मतलब बिरयानी पुलाव समझ ले, मैंने वो बनाया था सुबह, मैंने दोपहर को ही रेडी कर लिया था। अब हम घर से निकल पड़े हैं। चलो जी, ग्रीनरी स्टार्ट हो गई है सारी, यहाँ पर खेत ही खेत हर तरफ, कितने के लग रहा है कि हम करीब हैं पहुँचने वाले हैं। कहाँ पहुँचने वाले हैं? ये देखिए पूल पे, ये आम के बाग हैं सब, लेकिन इस टाइम जो हमारी गाड़ी में आम की खुशबू है ना, ओए होए होए जान लेवा। दिल कर रहा है रोजा खुल जाए, मैं पहले आम खाऊं। अम्मी रोजा खोल के रोजा है, अम्मी और मैं भी आम से रोजा खोलेंगे। सबसे पहले ये पानी, पानी की मछली नहीं है मगर मच्छ घुस गया है पानी का। पापा घुस गए सबसे पहले पानी में। ए साइडों पे सारा आम का बाग, हाँ चलो काकी मुनिया उतरो आराम आराम से, इसको बना ले हम फिर उतरते हैं। अभी डर है, ठंडा पानी है। पूछ एक बाबा उतर, तो स्विमिंग पूल में शुरू हो गया थे साथ, ये तो तरसे हुए थे है ना, ओए ओए वो तो अपना तैराकी शुरू हो गए। ठंडा है पानी, ठंडा है पानी, मम्मा आपको क्या हो गया था? मैंने बोला, मैंने कहा वहां से उतरो, तेरे कुतरी है। तो जी ये था केक जो कि बेक करके लाई थी मेरी छोटी भाभी, सब माशाल्लाह कुछ ना कुछ बना कर आए थे अपने अपने घर से, बहुत मज़े मज़े की डिशेज सब ने बनाई हुई थी, वो तो मैं दिखा ही नहीं पाई क्योंकि सब ने जब खाना खाया था तो बस किसी को कुछ पता नहीं था, बहुत शोर था, बहुत हंगामा था। तो आज थी हमज़ा की बर्थडे, तो हमने सोचा कि हम हमज़ा से केक भी कट करवा लेते हैं। तो हमज़ा मेरा भांजा है, मेरी बड़ी सिस्टर का बेटा, अकलौता बेटा है उनका, और माशाल्लाह आगे उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, 3 उनके बेटे हैं, तो माशाल्लाह ज़िंदगी दे उनको। और आज यहाँ पर मतलब उसकी बर्थडे थी, तो मैं भी उसको बोल रही थी कि आ जाओ केक कट करवा लो, तो फिर सब लोग करते हैं खाना वाना, सब खा चुके थे तो फिर चाय पीते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, एक जो ये ट्यूब में है, येलो ट्यूब में, ये भी इनका बेटा है, और एक उठाया हुआ है और ये किया है, और एक अभी पैदा हुआ है वो 2 मंथ का है, उसको मैं नहीं दिखा सकी क्योंकि वो उसको इंजेक्शन लगे थे हिफाजती, इस वजह से तो बस उसको हम लोगों ने सोने दिया, रेस्ट करने दिया। तो यहाँ पर जी खाना पीना हो चुका था और अब है केक कटिंग की बारी। तो हमज़ा को मैंने बोला कि जल्दी से और केक काटो, बच्चे बहुत खुश हो रहे थे कि बाबा का बर्थडे है। तो चलें आगे आपको दिखाती हूँ कि
कितना शोर था जिसकी वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। चलो जी ये सारी पलटून इधर हाँ चलो जी अब केक काटो और फटाफट खाओ इसको चाय के साथ। ये होममेड केक है जो कि मेरी भाभो ने बनाया है और ये बड़ा मज़े का बड़ा सॉफ्ट केक है। ख्याल से पानी में इतना ना करो पानी में वो डालूंगी डालूंगी सारे पानी में पागल हुए हुए हैं बच्चे। वैसे गर्मी का तोड़ यही है बंदा पूल में आके बैठ जाए, इतनी गर्मी है बच्चे खुश हुए हुए हैं पानी में आके। तो केक कटने के बाद सबने पी चाय, मज़े से खाया केक, केक भी बहुत टेस्टी बनाया हुआ था। तो बस यहाँ पर सब बच्चे लाउड म्यूज़िक में सब लोग मतलब उन्होंने बहुत तेज़ म्यूज़िक लगाया हुआ था इसीलिए मैं बार बार वॉइस ओवर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा शोर की वजह से कुछ समझ भी नहीं आ रही थी। तो हम सब यहाँ बैठे थे, ये मेरी बड़ी बाजी हैं, तो ये जो छोटे छोटे मुन्ने हैं ये मेरे भी पोते और पोते लगते हैं, तो माशाल्लाह मैं भी दादी हूँ इनकी। हाँ हम भी आते हैं बच्चों को नजर कोई भी नहीं आ रहा, सिर्फ लग रहे पानी में तैर रहे। तो जी यहाँ पर मैं ये सोच रही थी, ये साइड पर बैठी हुई थी मैं मेरी बाजी, क्योंकि मैं काफ़ी देर पहले पानी में घुस चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा नहा चुकी थी, तो मुझे तो लिटरली ठंड लग रही थी, जिस्म में शिवरिंग हो रही थी, तो मैं इस वजह से बाहर आके बैठ गई। तो टाइम भी काफ़ी हो चुका था इस टाइम, हम लोग तकरीबन 6 बजे से आए हुए थे, 6:30 से, और अभी रात के 10 बजने वाले थी, तो थकावट भी बहुत हो गई थी, तो मैं इस वजह से साइड पर निकल के बैठी हुई थी। अच्छा जब बहन भाई होते हैं ना, जब तक शादी नहीं होती, तो आप कितना इन्जॉय करते हैं दूसरे के साथ, मतलब बहन भाइयों की एक अलग सी बाउंडिंग होती है। जब सबकी शादियाँ हो जाती हैं, सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं, तो उस टाइम पर रियलाइज़ होता है कि ये जो खुशी के थ्रू ये प्लान करने चाहिए, मतलब ज़्यादा नहीं तो 2-3 मंथ्स के बाद ही आप इस तरह का कोई गेट टुगेदर अपनी फैमिली के साथ रखें, बहुत मज़ा आता है। यकीन करें आज इतना मज़ा आ रहा था ना, अम्मी अबू की इतनी याद आ रही थी, क्योंकि अम्मी और अबू होते थे ना तो हम सब हर वीकेंड पर इकट्ठे हो जाते थे, तो वो वाले दिन याद आ रहे थे। तो मैं कहती हूँ कि हर दिन को इसी तरह बनाएं कि अच्छे से सेलिब्रेट करें, अपने बहन भाइयों के साथ जुड़ के रहें। तो यहाँ पर हम लोग वापस आ गए थे, बहुत थक चुके थे, सब ने मतलब काफ़ी इन्जॉय किया, तो बस सब इस टाइम थके हुए थे। घर आई मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, तो मैं यहीं पर अपनी मतलब वीडियो का एंड करूँगी। अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और यकीन करें मैं फिर यही कहूँगी कि जुड़ कर रहें, मिल कर रहें, अगर दिलों में नफ़रतें हैं तो उनको निकाल के बाहर कर दें।